है वो रह चुका है हमारा अराउंड 170। मैं इस टाइम अभी अकेला हूँ, मजा तो आ रहा है भाई लेकिन बहुत ज्यादा हवा टाइट। तो भाई सुबह के बज चुके हैं 3:30 और हम दोनों बाहर आ चुके हैं। बाकी हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो तो सब टेंट, ओ भाई इसे लगा ले, वो तो सब टेंट के अंदर सो रहे हैं। अब हम देख के आते हैं बाहर कैसा व्यू है। बाहर ऐसा सबके टेंट टेंट दिख रहे हैं बस नॉर्मली। और भाई ये हमारे पीछे है पहाड़, अब तो वैसे बिल्कुल दिख नहीं रहा होगा, ब्लैक ब्लैक हो रहा होगा, बाकी इस पर पूरे पे आइस है। और इधर टेंट सब सो रहे हैं, ऊपर हमारा मतलब खाने पीने का वाला था। ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं। बाकी ध्यान सही है, चल रहा क्या? आ जाओ। सो भाई अभी का सीन तो कुछ ऐसा है, अभी तो मैक्सिमम मतलब कि सब सो ही रहे हैं, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। जो यहाँ पर घोड़े घोड़े हैं वो सब भी मतलब अपना आराम ही कर रहे होंगे, कुछ खड़े हुए हैं यहाँ पर 2-3 बस, वरना बाकी सब रेस्ट। बाकी भाई इधर से वैसे कुछ दिख ही नहीं रहा है, इधर हमारे सामने पहाड़ ही पहाड़ है विद बर्फ बर्फ बर्फ। और भाई ये सब सो रहे हैं, इनको जाके परेशान कर दूंगा। भाई ये तो उठ गए हैं, धीरे धीरे सब उठने वाले हैं, क्योंकि जितना जल्दी हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे उतना ही हमारे लिए ठीक रहेगा। तो भाई अपना फ्रेश व्रेश हो लिए, अब थोड़ी देर हाथ सेक रहे हैं क्योंकि बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। भाई भी बैठे हैं, और अभी हमारे साथ 2-3 और मेंबर थे वो चले गए हैं अपना हाथ वाथ सेक के, वो भी बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। और भाई हमारे यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, भाई एक भाई तो सो ही रहा है यहाँ पर। अब देखते हैं, हमने अपने जो दूसरे मेंबर्स हैं उनको कह तो दिया भाई आके फ्रेश हो लो फिर जल्दी चलेंगे, अब उनकी नींद ही नहीं खत्म होने में आ रही। अब देखते हैं कितने वो आते हैं, कितने बजे हम चलते हैं। बाकी देखो लोगों ने ना चलना स्टार्ट कर दिया, मतलब ऊपर ना लाइन लगनी स्टार्ट हो गई होगी, जो मंदिर है ना वहाँ पर लाइन लगनी स्टार्ट हो गई है, देखो जाने स्टार्ट हो गए लोग। चलो भाई अपना थोड़ा बहुत हाथ सेक के फिर चलते हैं ऊपर, ओके मिलते हैं आगे। कुछ हो भी गया क्या, क्यों परेशान हो रहा? तो भाई वो शिवा तेरा टोपा कहाँ है? हाँ भाई, अरे अबे बहुत सोली है। सो फाइनली ऊपर मंदिर जाने के लिए अपने टेंट से निकल चुके हैं, मैं और तुषार साथ में, 2-3 वो आ गया, मतलब बीच में ज्यादा गैप नहीं है, थोड़ा थोड़ा सही गैप है, हम दोनों साथ में। भाई सुबह सुबह बहुत ज्यादा ठंड हो रही है और मतलब बर्फ ही बर्फ पूरी, वाह। सुबह उठते मतलब ऐसा नज़ारा देखने को मिले वो लाइफ ही क्या है, मजा। थोड़े सब रेडी हैं जाने के लिए, उतरी हुई कंकिल अप्सरा लग रही हो। बाकी भाई अब ऐसे थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, लेकिन थोड़ा ऊपर जाके खाएंगे क्योंकि थोड़ा जल्दी पहुंच जाए, दर्शन तभी हो पाएंगे। बाकी मिलते हैं रास्ते में, ओके। फाइनली केदारनाथ पे पहुंच चुके हैं, मतलब यहाँ से एंट्री, यहाँ से हमें दिखना शुरू हो गया, मीन्स जो मेन उसका टॉप है वो दिखना शुरू हो गया, और यहाँ से हमारी जो मतलब पहुंच चुके हैं, और फाइनली हम सब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और जो हमारी रिसिप्ट मीन्स जो हमारा वेरिफिकेशन होना, मेरी स्माइल तो देख ही रहे होंगे, तेरी स्माइल, हाँ, तो जो हमारा वेरिफिकेशन होना था वो भी वेरिफिकेशन हो गया, हमें मतलब स्लिप मिल गया, उस स्लिप से एंट्री होगी, अब आगे हमारे दर्शन होंगे, आगे चलते हैं आपको भी दिखा। एंड फाइनली आई एम हियर, आखिरकार पहुंच गए, आपको चढ़ के आए हैं, थक गए हैं या फिर मतलब कैसा फील हो रहा है? मतलब ना ठंड लग रही है ना थक रहे थे ना, मतलब अब थकावट हो रही है बिल्कुल, मतलब मस्त एकदम जस्ट।
तो फाइनली मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं। बस थोड़ा सा डिस्टेंस और रह गया है अभी। लाइन वैसे बहुत लंबी थी, मतलब बहुत पीछे से लाइन लगी, सुबह 3 बजे से लाइन लगी हुई है। और भाई यहाँ पर प्रसाद भी मतलब सब कुछ मिल रहा है, जो जिसको लेना है वो ले सकता है। और पीछे से और हमारे वाले सारे साथ में यहीं पर खड़े हैं। और हमारे जो एक साथ में थे ये वाले मेंबर, ये तो दर्शन भी कराए, मतलब ये अपना जो पानी होता है वो भी ले आए। बाकी भाई गुल्लू आ गए, मैं यहाँ पर हूँ, चलते हैं अभी लाइन में जाते हैं। अब मतलब ऐसा हो रहा है थकावट तो बिल्कुल नहीं हो रही है, दर्शन करेंगे फिर आगे। सो फाइनली भाई बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं, अब बस लास्ट आ रहा है, अब दर्शन करेंगे। अब देखो अंदर तो शायद वीडियो मतलब अलाउड भी नहीं होती है, वैसे बनानी भी नहीं चाहिए, मतलब इन चीज़ों की आप मतलब कि अपने मन से दर्शन करो, ऐसे मतलब फोटो तो बाहर से ही ले सकते हैं, बाकी बाद में दर्शन करने के बाद आसपास देखेंगे। और फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं मंदिर के पास, और भाई वीडियो कॉल भी लगे हुए सारे, और देखते हैं अब अंदर जाते हैं, दर्शन करेंगे, उसके बाद आसपास जो भी है कुछ पहले खाई पीएंगे, फिर अपना फोटो गाइस हम आपको अंदर का नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वहां पे फोन अलाउड नहीं होता है। बाकी रहा बाहर से आप कितना मर्जी देख सकते हैं भाई, बहुत खूबसूरत। जय भोले। जय भोले। हर हर महादेव। सो भाई प्रसाद हमने चढ़ा दिया, बहुत अच्छा अंदर, मतलब बिल्कुल मन की शांति अंदर से, अंदर कितना अच्छा से खूबसूरत बना रखा है। बाकी हम सब ये रहे, और जो हमारे भी पंडित जी हैं वो भी अंदर जी हैं, वो भी प्रसाद चढ़ा रहे हैं, और हमें मतलब की जो बोतल है वो देंगे, उसमें जो पानी है वो हम भर के घर पर ले जाएंगे। बाकी हम सब यहाँ पर ये भाई हमने अच्छे से प्रसाद चढ़ा दिया सब कुछ, अब जो पंडित जी हैं वो हमें मतलब जो हमारा प्रसाद था वो अंदर चढ़ाया था वो हमें वापस करेंगे, और जो हमारे हमें उसमें अपना जो पानी है वो भर के ले जाएंगे। भाई अंदर से बहुत खूबसूरत बना रखा है, मतलब कि अंदर जाके मन अपने आप ही शांत हो गया था। बाकी हमने अच्छे से हाथ जोड़ लिए, बाकी ये रहे हमारे सारे मेंबर्स और सीरे। बाकी भाई इधर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, मतलब मंदिर है भाई, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं तो भाई ऐसे काम भी चलता रहता है। बाकी ये हमारा मंदिर भाई, भीड़ भी बहुत ज़्यादा, अब देखो सब आएंगे, भीड़ तो होगी। ओ मुचाई मो माधाई मो पेशवाई मो गोविंदाई मो सुखियो उपाल ओड़कम पिक्वा पुनर्जन्म में बिकले आकाल में धर्म सर्वजाति विनाश ओड़कम हादुर है वस्तो पच्छा जते हरि ओ महा हादुर है हरि ओ महा सतिनाइन लो अभितक्रवा हा सुष्ण पूगा अभितेगा सतिन कार्य को अलतनेवी सतिन ओबिक सदुगर हादुर ओम भद्रम कले भद्रम पसे मा सत्यगा देवागम सतिन ओबिक से महिदे वै कम्यदायु ओम जो हो शांति अग्रिकवं शांति पदवी शांति वापा शांति लोकनय शांति वनसदय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति ओम विश्वानि देव सर्वभूतानि पराशुभो यज्ञम कन्याशुभो भगवन्त नाम का जंगल हरिशेषम कमल वलिमाधाय पदयो यदे कौने तस्मिन् निजम् उदाहरा नेत्य कमलम गतो भक्तिं देने परिणितम् असौ चक्रवपुषा महा लब्धाय कृपर हरजाय जगदिकाम वन्दे यस्तविराजते हि करलम गंगाजलम वसवे मामाङ्गे गिरिराजराजकन्या दया भवानिस्ते श्रीसङ्गराजनाथैकं केदारनाथ प्रभो श्रीदानान्तरसन्तोषं दूर्याजलां मङ्गलं मङ्गलं परमानुष्ठो मङ्गलं गर्गाध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हरिकृष्णकाव्यं विघ्नेश्वराय वृदाय सुरक्षाय लम्बोदराय सकलाय जगतिकाय नादानगाय गिरिमूर्ताय गौरीशुभाय गणनाथनो नमस्ते भगवन्त महाकाय सुरकोटि समर्थमो विलिन्दं कुर्मो देवो शरदारेषु सर्वदा बोलकेदारेश्वर भगवान् की जय ब्रह्मावरारिश्रान्तिकारी की जय दोषशुक्रोसन्धाहुकतमो सर्वेगा शान्तिकरा भवन्तु। तो पूजा डन हो चुकी है, अब हमारे पास जो मतलब की बोतल दी है पंडित जी ने, अब उसको पीछे पानी है उससे हमें भरना है। ये रही हमारा प्रसाद, अब हम वहाँ पर जा रहे हैं। सो पानी भी भर लिया हमने और दर्शन भी कर लिए, अब थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, और हमने जो पानी था मतलब महाराज जी ने पानी हमने भर के दे दिया सारे यहीं पर है, अब थोड़ा ऊपर जा रहे हैं।
सो फाइनली सब कुछ डन हो गया, दर्शन भी हो गए और मतलब प्रसाद भी चढ़ा दिया, प्रसाद ले लिया और जो मतलब किसी को कुछ लेना था वो भी हमने सब कुछ ले लिया। अब अपने मतलब घर की तरफ चल रहे हैं। अब देखो घर तो आज नहीं पहुंच पाएंगे, आज तो मतलब जहाँ पर टाइम पे रुके थे शायद वहीं पर रुके, बाकी मतलब जैसे जैसे होगा जितनी जान बचती रहेगी उतना नीचे करते रहेंगे, जहाँ तक भी उतर पाएंगे रात हो जाएगी फिर वहाँ पर रुक जाएंगे। बाकी भाई सब कुछ अच्छा अच्छे से हुआ, सब कुछ मज़ा आ गया और सब कुछ रह गया। बोले Thank you.